वेलकम टू माय लाइव मीना कवर हिमाचली स्पेशल चैनल की लाइव में आपका स्वागत है प्लीज़ कमेंट कीजिए कौन जुड़े हैं कमेंट कीजिए अभी मैंने सिर्फ थोड़े से मिनट के लिए लाइव किया है दस मिनट के लिए कोई लाइव ज्वाइन करना चाहता है प्लीज़ कमेंट कीजिए डोंट बी हाइड और शालू जी जुड़ चुकी हैं हाय दीदी हेलो कैसे हो आप आज कल आपका कमेंट भी नहीं आ रहा है मुझे वीडियोस में लाइव करने का मुझे टाइम नहीं लगता है बहुत कम टाइम लगता है आजकल हेलो कैसी हैं आप एक और हमारे साथ चुके हैं हाँ ठीक हूँ आप कैसे हो मैं भी ठीक हूँ बढ़िया हूँ और आप बाकी आपके घर परिवार में सब ठीक ठाक एक और हमारे साथ जुड़े हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक कर दीजिए हाँ सब ठीक हैं चलो अच्छा है सब ठीक होने चाहिए और क्या कर रही हो आजकल आजकल क्या काम है आपके मेनका राठी जी भी जुड़ी हैं हमारे साथ बोल रहे हैं हेलो जी हेलो मेनका जी कैसी हैं आप बहुत टाइम काफ़ी दिनों बाद आपका कमेंट करा करें मुझे आर्मी ऑफिसर मनीष शर्मा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भाई और कैसे हैं आप और कहाँ पे हो आजकल अभी मैंने ऐसे ही थोड़े से मिनट के लिए लाइव ऑन किया था मैं एक्चुअली घास काटने के लिए आई हूँ यहाँ पे तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे लाइव करके देखती हूँ आपका फ़ेस क्लियर नहीं दिख रहा अच्छा ये पता क्या है यहाँ पे फ़ेस क्लियर तो नहीं दिखेगा मैं क्योंकि छांव में बैठी हूँ ना साफ नहीं आ रही है मेरी वीडियो मुंबई में अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ चलो ठीक है जी मुंबई में हैं आप मुंबई में तो काफ़ी गर्मी होगी ना और अंबिका शर्मा जी भी बोल रही हैं हेलो हेलो अंबिका जी कैसे हैं आप मैं ना इसीलिए लाइव बहुत कम करती हूँ पता नहीं क्यों वीडियो इसकी जो आती है ना वो क्लियर नहीं आती है और मुझे पता ही नहीं चल पा रहा कि ये क्यों ऐसे होता है तो मैं फिर लाइव बहुत कम करती हूँ अभी मैंने सोचा कि चलो ऐसी थोड़ी सी बातें करती हूँ कोई जुड़ेगा शायद कोई तो आप लोग कोई बात करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं आजकल यहाँ हमारे तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है अब सुबह शाम तो ठंड है बट दिन में धूप अच्छी होती है ना बहुत ज़्यादा आर्मी ऑफिसर जी बोले आपकी आवाज़ तो क्लियरली आ रही है बट आपका फ़ेस क्लियर नहीं दिख रहा है अब पता नहीं यहाँ पे मेरा फ़ेस आपको क्लियर नहीं दिखेगा पता नहीं मैं छाँव में बैठी हूँ ना यहाँ पे धूप बहुत तेज़ है भाई तो <laughs> अब दिखेगा आपको अब दिख रहा है मेरा फ़ेस आपको मैं ना एक्चुअली छाँव में बैठी थी क्योंकि धूप बहुत तेज़ है ना और मैं अभी घास को आई हूँ ये देखिए हमारी बहुत दूर है ऊपर को चढ़ाई चढ़ के जाना पड़ता है घास को और फैजल स्वैद के पी के बोल रहे हैं हाय हेलो जी हेलो भाई कैसे हैं आप हिमाचली मधु वर्मा जी भी जुड़ी हैं मेरे साथ है गुड मॉर्निंग मीना जी गुड मॉर्निंग मधु जी और कैसे हो आप आपका स्वागत है मेरी लाइव में आज आप पहली बार ही आए हैं ना वैसे तो मैं एल बहुत कम करती हूँ मैं एल करती नहीं हूँ ज़्यादा मैं आई थी यहाँ पे ना घास काटने तो अभी बच्चे तो घर पे ही है आपका फेस नहीं साफ दिख रहा शालू जी बोरिया आपका फेस अभी साफ़ नहीं दिख रहा है अब तो अब तो दिखना चाहिए साफ अभी तो मैं यहाँ पे रोशनी में आई हूँ पहले ना मैं छाँवों में बैठी हुई थी पेड़ की छाँव में तो वहाँ पे तो हो सकता है कि साफ़ ना आ रहा हो बट पता नहीं क्यों जो वीडियो बनाते हैं ना तो अगर हम ट्राई पे लगाते हैं ना इसमें कैमरा को तो तब नहीं आती है वीडियो हिली हुई वी। ऐसे अगर मैंने जैसे हाथ में पकड़ा हुआ है ना अभी जो फ़ोन है मेरा तो वो अच्छी नहीं आती है हिमाचली मधु मधुवर्मा बोल रही हैं मैं ठीक हूँ मीना जी आप सुनाओ मेनका राठी जी बोल रही हैं गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग जी मेनका जी आपकी ना केक वाली रेसिपी मैं ज़रूर डालूंगी एक्चुअली पता क्या है मेरा मैंने अब वीडियो में भी बताया है कि मेरा जो बेटा था ना वो बीमार हुआ हुआ था काफ़ी परेशानी हुई उस टाइम मुझे ना आजकल सर्दियों में बच्चे छोटे होते हैं ना तो बीमार हो जाते उससे पहले फिर मेरे ससुर का चतुर्वार्षिक श्राद्ध था तो उसमें काफ़ी बिजी थी मैं टाइम नहीं लग पा रहा था तो फैजल स्वैद जी बोल रहे हैं हाउ आर यू मैं ठीक हूँ आई एम फाइन और मेरे पास ना ये कमेंट ना लेट शो हो रहे हैं पता नहीं और धीरे आते हैं वहाँ से जैसे आप तो कर लेते हैं ना वहाँ से लेकिन मेरे पास थोड़े लेट पहुँचते हैं यहाँ पे कमेंट ये तो आजकल हमारे तो यहाँ पे काफ़ी गर्मी हो गई है और बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं तो हिमाचली मधु वर्मा जी बोल रहे हैं आई थी एक आज दूसरी बार आई हूँ अच्छा ठीक है चलो कोई नहीं मैं भी आऊँगी आपकी एल में जब आप करेंगे तो और और हिमाचली वर्मा जी मैं भी साथ में चपाती बना रही हूँ अच्छा आप भी चपाती बना रही हूँ मेन कराठी जी बोल रही है इट्स ओके okay जी और हिमाचली वर्मा बोल रही है और सुनाओ बस बाकी बढ़िया है आजकल बिज़ी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और सुन रही हूँ ओके हिमाचली मधु वर्मा जी स्माइल दे रही हैं आर्मी ऑफिसर मनीष शर्मा जी बोल रहे हैं आज तो भारत बंद है बट हम फौजियों की ड्यूटी चालू है हाँ भाई फ़ौजियों को तो कभी भी नहीं होती है छुट्टी है ना मेरे भैया है ना जो वो भी आर्मी में हैं वो भी फौजी हैं तो वो तो ऊपर है अभी जम्मू में है और कभी भी छुट्टी नहीं होती उनको भी वो भी बोलती है यार वीडियो इज़ वेरी स्वीट थैंक यू सो मच भाई फैजल जी बोल रहे हैं कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है बहुत स्वीट होती है थैंक यू नेटवर्क काम नहीं है आपकी पता नहीं नेटवर्क कम तो नहीं है शायद आज तो मैं काफ़ी हाइट पे आई हूँ यहाँ पे तो अच्छा होता है नेटवर्क घर में तो हमारे थोड़ा कम होता है ना पता नहीं वीडियो क्यों अच्छी नहीं आती होगी मेरी समझ में नहीं आता है इसीलिए मैं लाइव ना बहुत कम करती हूँ लाइव मैं फिर करती नहीं हूँ क्योंकि ना फिर वो हिली हिली भी सी आती है ना जो वीडियो वो अच्छी नहीं लगती है फिर उस करके मैं फिर बनाती नहीं हूँ ज़्यादातर लाइव करती नहीं हूँ मैं ऐसे ही वीडियो डाल देती हूँ छोटी सी कोई काम करते हुए जैसे कल घास काटने आई थी मैं यहाँ पे तो बस ऐसे ही थोड़ी सी तो ऐसा ही होता है और, और कोई कुछ बात करना चाहता हो आजकल पता क्या है वीडियोस ना आप लोग बहुत कम देख रहे हैं पता नहीं क्यों शायद सभी लोग बिज़ी होंगे और अनवर साहब जी से बोल रही हैं वी सोल्जर नेवर ऑफ़ ड्यूटी मनीष शर्मा जी बोल रहे हैं हाँ जी सोल्जर जो है वो कभी भी ऑफ ड्यूटी नहीं होते और शालू जी ने भी कुछ कमेंट किया था अभी वो फ्लैश हुआ था लेकिन मेरे पास जो कमेंट आते हैं ना मतलब सभी के पास ऐसा होता है एक बार फ्लैश होते हैं ना और फिर वो चले जाते हैं वापस ऐसा होता है कुछ तो फिर उसको पढ़ने के लिए फिर दूसरी बारी देखना पड़ता है तो कई लोगों को ऐसा लगता है ना कि हमारी कमेंट नहीं पढ़ते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे लिए सब बहुत ही प्यारे हैं जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली है तो शालू जी बोली आपकी सब वीडियो बहुत अच्छी हैं मैं आपकी वीडियो सब देखती हूँ थैंक यू सो मच आप देखती हैं मेरी वीडियो थैंक यू और मेनका राठी जी बोलते हैं नैनू कैसी है दीदी नैनू अच्छी है घर पे ही है अभी तो छोटी है ना अभी वो स्कूल भी नहीं जाती है अभी तीन साल की ही है तो अभी जब फोर प्लस हो जाएगी ना तब उसको हम स्कूल में डाल देंगे अभी तो बच्चों को स्कूल में ले ही नहीं रहे हैं जो फिफ्थ से नीचे के हैं ना मतलब नीचे की क्लास के बच्चे उनको अभी स्कूल में ले ही नहीं रहे हैं तो फिफ्थ से ऊपर के ही जा रहे हैं अभी बच्चे और बस अभी आजकल तो हमारी बहुत ज़्यादा काम बिज़ी हो गई हूँ मैं क्योंकि अब स्कूल भी लग गया है ना बेटा जाने तो काम बढ़ गया है बहुत ज़्यादा उसके भी अभी पेपर हो जाएंगे तो और कोई अपनी कुछ बात बोलना चाहता हो मैं इतनी देर से ना अपनी बोल रही हूँ किसी को कुछ पूछना हो मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ बातें करने में तो पता नहीं अब मेरी वीडियो क्लियर आ रही होगी कि नहीं एक और हमारे साथ जुड़े हैं तो अनवर साहब जी चाहिए नाश्ता हुआ आपका चाय नाश्ता हो चुका है जी और मैं इस वक्त देखिए आप देख सकते हैं मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ मैं अभी पहाड़ अगर आप देखना चाहते हो तो मैं घास काटने के लिए आई हूँ ये देखिए चाय नाश्ता करके सब कुछ और मैं आई हूँ घास काटने ये देखिए हमारे घास से ऊपर को सूखी घास आजकल हम सूखी घास काटते हैं ना वैसे तो अब खेतों में भी होगी ये स्टार्ट हरी जो हम जोई की बिजाई करते हैं ना जो और जोई की बिजाई करते हैं तो अब तो खेतों में भी होगी है स्टार्ट यहीं पे मैंने दराटी रखी हुई है पानी की बोतल भी रखी हुई है और अभी घास काटना है मुझे धूप बहुत ज़्यादा होगी है तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी ऐसे ही लाइव करती हूँ पता नहीं आपका फ़ेस अभी तक क्लियर नहीं आ रहा है और हिमाचली मधुबर मेरी भी बेटी है जाती स्कूल हाँ सबके बच्चे अब स्कूल जाने लग गए हैं और शालू जी बोल रहे हैं कुछ भी नहीं दिख रहा वो डियर अब मैं क्या करूँ अब कुछ सिग्नल की ही प्रॉब्लम होगी शायद या फिर हो सकता है जैसे मेरा हाथ है वो हिल रहा हो बार बार उस वजह से ना दिख रहा हो पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा होगा अभी दिख रहा है आपको मैं एक जगह फोन को इकट्ठा खड़ा कर देती हूँ ऐसे पता नहीं अब दिखेगा आपको कि नहीं हिलाती नहीं हो ना ज़्यादा हिलाते हैं तो वीडियो हिल जाती है फिर इट्स ओके okay, आपका वॉयस क्लियर आ रहा है मनीष शर्मा जी बोल रहे हैं हाँ वॉयस तो क्लियर आ रहा होगा आपको लेकिन दिखता नहीं है ना फिर अजीब आज कल आप बॉम्बे में हो ऑन ड्यूटी चलो अच्छा है मुंबई में तो ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है ना वहाँ पे हमेशा एक जैसा ही रहता है बना हुआ मैं आई नहीं हूं कभी बॉम्बे मेरे भैया हैं जो वो है आर्मी में और कोई कुछ बात करना चाहता हो अभी वीडियो क्लियर हुई है ओके मीना जी मैं बेटी का बाल बना लूँ हाँ जी मधु वर्मा जी कोई बात नहीं आप बाल बना लीजिए अपनी बेटी के ओके मैंने भी बस अभी काम शुरू करना है यहाँ पे <laughs> मैं भी घास काटने के लिए आई हूँ और एक और हमारे साथ जुड़े हैं मनीष शर्मा जी बोले चलता हूँ मेरा प्यारे भाई बहनों चलो ठीक है मनीष शर्मा जी ओके बाय बाय जय हिंद जय हिंद इट जस्सी इट्स जस्सी कहने वाले कुछ भी कहें पर मुंबई में गर्मी ही होती है <laughs> अच्छा मुंबई में गर्मी ही होती है हाँ तो तभी तो वहाँ के लोगों को मैंने स्वेटर पहने का भी देखा नहीं है इतना मतलब इतना ज्यादा ऐसा क्लाइमेट नहीं होता जैसे हमारे अप्स एंड डाउन यहाँ पे चलते रहते हैं ना जैसे गर्मियों में मई जून के महीने में बहुत ज्यादा यहाँ गर्मी हो जाती है फिर जुलाई अगस्त में बरसात होती है फिर आगे को सर्दियां हो जाती हैं मतलब इतना वहां पे चेंज नहीं होता है मेरा बोलने का मतलब ये था कि वहां पे ज्यादातर एक जैसा ही रहता है हिमाचली मधु वर्मा जी बोल रहे हैं बाय ठीक है जी बाय आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी लाइव में आने के लिए तो बस अभी और किसी को कुछ पूछना है गाइज क्योंकि मैं अब काम कर लेती हूँ मुझे ना घर में टाइम नहीं लगता लाइव करने का मतलब टाइम तो होता है लेकिन छोटा बच्चा है ना मेरे पास अभी एक साल का हो गया है मेरा बेटा छोटे वाला तो वो बहुत ज़्यादा शोर करता है फिर उसके साथ मैं लाइव क्या करूँ उसमें कुछ सुनेगा ही नहीं किसी को तो होता ही है ना छोटे बच्चे के साथ फिर उसको मैनेज करना पड़ता है फिर जब वो सोता है तो फिर काम भी होता है घर का हम घर के काम को भी इग्नोर नहीं कर सकते तो मैं एक यूट्यूबर होने से पहले मैंने पहले भी बोला अपनी वीडियो में खासकर मुंबई की गर्मी में हिमाचल के लोग तो वहाँ दो दिन भी नहीं रह पाएंगे <laughs> अच्छा जी जस्सी जी बोल रही है कि हिमाचल के लोग हाँ हमें आदत नहीं है ना इतनी गर्मी की हम तो ठंडे इलाके के रहने वाले लोग हैं तो हो सकता है कि शायद हम वहाँ पे ना रह पाए गर्मी में यहाँ पे तो अच्छा है हमारे हिमाचल तो बहुत बहुत अच्छा है हमें बहुत अच्छा लगता है अपना हिमाचल ही तो वैसे तो हर जगह की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है कुछ ना कुछ तो हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बार बार बदलता रहता है जैसे गर्मियों में गर्मी हो जाएगी सर्दियों में सर्दी हो जाती है तो चलिए बस आज के लिए छोटी सी बातचीत यही थी मुझे नहीं लगता कि अब शायद किसी को कुछ बात करनी होगी तो फिर से देखूंगी मैं अगर लाइव आऊंगी अनवर साहब बोले हाँ दीदी सही कहा मेरे बहन के बच्चे भी वैसे ही शूट करते हैं हाँ, हाँ क्या करना फिर इस तरह से ही करना पड़ता है ना सुना है कि हिमाचल के लोगों में गुस्सा नहीं होता नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है गुस्सा भी होता है और जब गुस्सा मतलब गुस्से वाली कोई बात हो तो गुस्सा भी आता है ऐसा कुछ नहीं है कि गुस्सा नहीं आता गुस्सा भी आता है सच बोलूँगी देखिए मैं झूठ बोल के मैंने कोई वो थोड़ी करना है यहाँ पे कंपटीशन थोड़ी जीतना है ना मुझे ये नहीं है कि मतलब मैं अच्छा बोलूँ मुझे ये है कि सच बोलना जरूरी है गुस्सा भी होता है जब कोई गुस्से वाली बात होती है ना तो गुस्सा भी आ जाता है सभी को आता है ये तो इंसान का नेचर है सारी चीज़ें भगवान ने दी है ना जो गुस्सा आता और इतना ज्यादा नहीं आता लेकिन जब आता है तो मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा खराब है फिर मैं बहुत ज्यादा गुस्सा आता है मुझे जब कभी आ जाए तो मैं वहां की ठंडक में भी गर्मी जीत जाती है गर्मी जीतने तो चलो कुछ बोल नहीं सकते गर्मी भी है और सर्दी भी है यहाँ पे तो सब कुछ ही है इतनी ज्यादा वो तो फिर बात पे डिपेंड करता है ना कि कोई किस तरह से बात कर रहा है और क्या रिएक्शन होगा किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का सबकी अपनी अपनी सोच होती है और बस ऐसे ही होता है कई बारी गुस्सा आ गया तो आ गया बाकी मेरे मुझे बहुत कम आता है गुस्सा ऐसे तो नहीं करती मैं इतना ज़्यादा गुस्सा ज़्यादातर मैं बहुत ज़्यादा खुश मिजाज ही हूँ पर अगर कभी आ जाए तो बहुत ख़तरनाक गुस्सा आता है मुझे फिर तो बहुत ज़्यादा तो बस चलिए आज की छोटी सी बातचीत वार्तालाप यहीं पे खत्म करती हूँ मैं किसी को और कोई बात करनी है दीदी आप गुजराती हो क्या नहीं डियर मैं गुजराती नहीं हूँ मैं तो हिमाचली हूँ हिमाचली हूँ हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट सोलन की हूँ मैं डिस्ट्रिक्ट सोलन में रहती हूँ क्यों मेरी बातों से आपको ऐसे लग रहा है कि मैं गुजराती हूँ नहीं मैं गुजराती नहीं हूँ मैं तो हिमाचली हूँ खुशी रहना चाहिए क्योंकि जिंदगी जी जाओ ना कि काट कर <laughs> जी बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल मैं सौ प्रतिशत सहमत हूँ आपकी बातों से जिंदगी को जीने के लिए जीना चाहिए ना कि ऐसे कि बस जिंदगी काट ली हमने फिर क्या फायदा बार बार थोड़ी आएंगे हम इंसान की इसमें जीवन में आगे तो पता नहीं क्या बन जाना है हमने है ना ये कोई पता नहीं है कि क्या बन जाएंगे हम आगे को कितने सारे जीव जंतु हैं धरती पे तो जिंदगी को तो हंस के अच्छे से खुश होके जीना चाहिए कोई भी शौक हो ना मतलब शौक से मेरा मतलब ये है कि कोई जायज शौक हो ऐसा नहीं हो कि कोई बेकार सा उठपटांग सा शौक हो अब जैसे मुझे शौक था ना कि मैंने आ, मैंने देखा एक्चुअली जो वो है ना हिमाचली ब्लॉगर मधु ठाकुर उनको देखा मैंने यूट्यूब पे तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी कर सकती हूँ ये काम है ना चलो करती हूँ क्या पता इतना सोचा नहीं था कि मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा मतलब मैंने शुरुआत करी थी एक और चलो करके देखती हूँ लोग जुड़ेंगे लोगों को अच्छा लगेगा और ये ज़रूरी नहीं है कि आपके लाखों में इतने व्यू आए मतलब इससे भी हमें ये होता है कि कम से कम सौ लोग तो हमें हर रोज़ देख रहे हैं तो मतलब उनको मेरी बातें ठीक लगती है अच्छी लगती है या कुछ उनके लिए जानकारी वाली होती हैं हिमाचली में कैसे बात करते हैं अनवर साहब शालू जी बोलिए हिमाचली में हमारी तो यहाँ की जो भाषा होती है ना डियर वो पहाड़ी होती है पहाड़ी में मैं बोलूँगी ना तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा चलिए मैं अपने चैनल पे ना एक पोस्ट डालूंगी उसमें पोल करूँगी मैं कि आप लोग पहाड़ी में कोई व्लॉग देखना चाहते हैं तो मैं एक पहाड़ी भाषा में व्लॉग बनाऊँगी और जीना उसे कहते हैं जो दूसरों के लिए जी सिर्फ अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं पर लोग इतने खुद हो चुके हैं कि ओहो फ्लैश होता है ना फ्लैश होता है मैसेज और फिर चला जाता है अभी आधा मैं बाद में पढ़ूंगी आपका मैसेज जस्सी जी हाँ खुद गर्ज हो चुके हैं कि फीलिंग ही मर चुकी है जी हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने कुछ लोग हैं इस तरह से भी कुछ लोग बोलते हैं हाँ दीदी ज़रूर चलो ठीक है कोई नहीं बनाऊंगी मैं एक ब्लॉग इस तरह से पहाड़ी भाषा में भी तो आपको पता नहीं अच्छी लगेगी थोड़ा सा बोलती हूँ सी बनाऊँ है जी बनाऊँ है ज़रूर बनाऊँगा आऊँ ज़रूर है पहाड़ी भाषा में भी ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगा तुम्हें देखे हो तब <laughs> पर पता नहीं तुम मुख्य समझो मैं अभी आना कि आना ही नहीं है ही अभी घा काटने आ रही आऊँ एजा घा ओढ़ने काटना नहीं बोलते हमारे ओढ़ना बोलते हैं घा ओढ़ने आ रही ऐसे बोलते हैं हमारे हमने पता क्या हम शुरू से ही जब स्कूल वगैरह गए हैं ना तो वहाँ पे ज़्यादातर हिंदी में ही बात करते ना हिंदी स्कूलों में ही पढ़े हैं यहाँ तो हिंदी ज़्यादातर बोलते हैं वैसे तो अपने में हम घर में पहाड़ी में भी बोलते हैं और हाँ दीदी बहुत अच्छा लगा शालू जी बोल रही हैं चलो कोई नहीं एक व्लॉग पूरा व्लॉग बनाऊँगी मैं पहाड़ी भाषा में ही ना तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे वो भी तो सो स्वीट थैंक यू आप भी बहुत ज़्यादा स्वीट हो तो चलिए बस अभी मैं ना यहीं पे ही अपनी लाइव को बंद कर रही हूँ और मुझे लगता है अभी सभी लोग जा चुके हैं या हो सकता है कि सिग्नल उड़ गया हो फिर से तो अभी मेरे पास ज़ीरो चैट शो हो रही है अब तो, तो चलिए ठीक है बस आज के लिए इतना ही बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातें करके और पता नहीं लाइव वीडियो कैसी आई होगी कुछ आइडिया भी नहीं है मुझे क्योंकि अच्छी नहीं आती है हिल हिल के आती है ये वीडियो तो चलिए बस आज के लिए इतना ही बाय बाय